नमस्कार दोस्तों, रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर और सनराइजर्स हैदराबाद के बीच में आईपीएल का मैच नंबर 30 खेले जाने वाले हैं 7:30 बजे 15 अप्रैल मंडे को। और दोस्तों ये मैच खेले जाने वाला है चिन्नस्वामी स्टेडियम पे। बाकी आप लोग देख रहे हो, जब से मैंने पंट प्लेयर का कंसेप्ट यूज किया है ना, हर मैच पे मेगा ग्रैंड लीग पे सब्सक्राइबर्स जबरदस्त रैंक लेकर आ रहे हैं। इस मैच के पंट प्लेयर्स कौन होंगे वो डिस्कस करूंगा, पूरा स्टैट्स डिस्कस करने वाला हूं, किन प्लेयर्स को ड्रॉप करना है, कौन से लो सिलेक्शन परसेंटेज प्लेयर को इन करना है, किसे कैप्टन करना है, किसे वाइस कैप्टन करना है, मैचअप्स क्या है इंपॉर्टेंट, सब कुछ दोस्तों डिस्कस करने वाले हैं आज के इस मैच पे। प्लस लास्ट के मैच के गिव अवे के जो विनर्स है ना, उनके नाम भी बताने वाला हूं जिन्होंने यहां पर गिव अवे विन किया है। तो अगर लास्ट के मैच में आप लोगों ने गिव अवे पे पार्टिसिपेट किया था तो अपने नाम के लिए इंतजार पक्का से कीजिएगा। बाकी दोस्तों इस मैच पे जो पंट प्लेयर्स निकलकर आ सकते हैं उन्हें अगर आप लोग देखोगे तो यहां पर आप लोगों के पास कुछ बहुत ही लो सिलेक्शन परसेंटेज प्लेयर है। जैसे आप लोगों के पास राहुल त्रिपाठी है, रजत पाटीदार है, इनमें से कौन चलेगा वो सब बताऊंगा। राहुल त्रिपाठी, रजत पाटीदार, अब्दुल समाद, महिपाल लॉमरोर हो गए, और आप लोगों के सौरभ चौहान हो गए, शबाज अहमद हो गए, जयदेव उनक्कड़ हो गए, आकाशदीप हो गए, विजय कुमार हो गए। ये कुछ ऐसे प्लेयर्स है ना दोस्तों, काफी प्लेयर्स है। अगर आप लोग देखोगे 5, 3, 8 और एक 9 प्लेयर है। ये 9 प्लेयर है दोस्तों जिन्हें कोई अपनी टीम पर लेकर नहीं चल रहा है, बट मैं बता रहा हूं इन 9 प्लेयर में से आप लोगों को अपनी टीम पे 3 या 4 प्लेयर लेने ही पड़ेंगे अगर आप लोग इस मैच पे मेगा ग्रैंड लीग की टीम बना रहे हो तो। क्लियर, जो लोग इस कंसेप्ट को यूज कर रहे हैं ना वो लोग जबरदस्त मेगा ग्रैंड लीग पे परफॉर्म कर रहे हैं। बहुतों के मुझे मैसेज आए कि मेगा ग्रैंड लीग पे ना अब रैंक काफी इंप्रूव हो रही है। क्यों? क्योंकि वो यहां से प्लेयर लेना सीख गए हैं। कौन कौन से प्लेयर इंपॉर्टेंट हो सकते हैं देखो, यहां पर राहुल त्रिपाठी और रजत पाटीदार में से किसी एक के अंदर आने के चांसेस काफी ज्यादा है मेगा ग्रैंड लीग पे दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। बाकी यहां पर आप लोगों के अब्दुल समाद हो गए और शहबाज अहमद हो गए, ये भी इंपॉर्टेंट पिक बन सकते हैं इन दोनों में से कोई एक मेगा ग्रैंड लीग पे। बाकी बॉलिंग वाले सेक्शन पे जयदेव उनक्कड़ हमेशा से एक इंपॉर्टेंट प्लेयर रहेगा दोस्तों, लो सिलेक्शन पे मिल रहा है तो आप लोग इसे पिक कर सकते हो मेगा ग्रैंड लीग पे। बाकी यहां पर अगर आरसीबी की टीम पहले बॉलिंग करने आ जाती है तो आकाशदीप और विजय कुमार भी इंपॉर्टेंट पिक बन सकते हैं जिन्हें लेकर आप लोग मेगा ग्रैंड लीग पे जबरदस्त परफॉर्म कर सकते हो, क्योंकि इन प्लेयर्स को कोई लेकर नहीं आ रहा होगा अपनी टीम पर। हो क्या रहा होगा इस मैच पे, जो लोग मेगा ग्रैंड लीग की टीम बनाना नहीं जानते वो लोग क्या कर रहे हैं उस बात को देखो। वो लोग दोस्तों अपनी टीम पे कुछ इन प्लेयर्स को लेकर आ रहे हैं, ठीक है। उन्होंने हेनरिक क्लासेन को लिया होगा, विराट कोहली को लिया होगा, ट्रेविस हेड, फाफ डुप्लेसी, अभिषेक शर्मा, एडल मार्करम, ग्लेन मैक्सवेल और पैट क्यूमिंस। यहां पर आप लोगों को 4 और 1, 5, 8 प्लेयर्स, ये 8 प्लेयर्स तो लगभग हर कोई अपने टीम पर फिक्स करके चल रहा होगा कि ये तो परफॉर्म कर ही रहे हैं। अगर आप लोग ये सोचते हो ना कि इन 8 प्लेयर्स को लेकर मेगा ग्रैंड लीग आप लोग जीत सकते हो तो दोस्तों आप लोग गलत हो। लिख कर दे सकता हूं, 100% बता सकता हूं, इन 8 में से ज्यादा अगर चल भी गए, ज्यादा से ज्यादा 5 ही चलेंगे, 3 को तो फ्लॉप होना ही है, 100% फ्लॉप होना है। स्टैट्स को देखने के बाद आप लोगों को वो भी बता दूंगा कौन सा प्लेयर इन प्लेयर में से फ्लॉप हो सकता है। अगर अभी के टाइम पे आप लोग मुझसे पूछोगे तो ट्रेविस हेड और अभिषेक शर्मा में से किसी एक के फ्लॉप होने के चांसेस है इस मैच पे, ध्यान रखिएगा। बाकी यहां पर पैट क्यूमिंस, ग्लेन मैक्सवेल हो गया, इन दोनों में से एक के फ्लॉप होने के अगेन दोबारा मुझे चांसेस लग रहे हैं। मतलब ये 2 तो मैंने बता दिया, और भी 3 स्टार्ट्स देखने के बाद सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे कौन कौन यहां से फ्लॉप होने वाले। अब देखो कुछ प्लेयर्स होते हैं जो कि गेम चेंजर्स प्लेयर है, कौन बन सकते हैं। लास्ट मैच पे मैंने बताया था आप लोगों को कि दिनेश कार्तिक गेम चेंजर प्लेयर बनेगा, और जो पारी उसने खेली ना कोई नहीं लेकर आया था, बट जिन्होंने मेरी बात को ध्यान से समझा था वो लोग लेकर आए थे अपने टीम पे दिनेश कार्तिक को, अल्ट्रा क्लीन स्वीप करा उन लोगों ने सारे लीग पे। बाकी यहां पर देखो विल जैक्स काफी इंपॉर्टेंट प्लेयर निकलता है दोस्तों, और आप लोगों को ये मीडियम सिलेक्शन परसेंटेज प्लेयर पे मिल रहा है। नीतीश रेड्डी ने लास्ट मैच में अच्छा परफॉर्म कर दिया है। बाकी भुवनेश्वर कुमार, टी नटराजन, इन दोनों में से एक, मोहम्मद सिराज और ऋषि टोपली, इन दोनों में से एक, विल जैक्स, दिनेश कार्तिक और नीतीश राणा। मतलब यहां पर आप लोगों को 3 प्लेयर पिक करके चलने हैं और कमी प्लेयर्स है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, इन 7 प्लेयर्स में से 3 प्लेयर्स को पिक कर लो दोस्तों, कुछ पंट प्लेयर्स में से पिक करो,
लॉस मेकर्स में से प्लेयर्स को ड्रॉप करो और यहां से दोबारा से पिक करो और मेगा ग्रैंड लीग पे आप लोग अपना रैंक देखकर खुद ही हैरान हो जाओगे, ऐसी जबरदस्त रैंक आती है ना दोस्तों इस तरह से टीम बनाने पे। और यहां से ये जो दिख रहा है ना गेम चेंजर, वीसी के कंटेंडर निकलते हैं यहां से, इस बात को ध्यान रखिएगा, वीसी के कंटेंडर हमेशा यहां से निकलते हैं। बाकी दोस्तों ये मैच खेला जाने वाला है चिन्नस्वामी स्टेडियम बेंगलुरु पे, पिच के बिहेवियर को समझते हैं। पहला मैच दोस्तों यहां पर जो खेला गया पंजाब किंग्स और आरसीबी के बीच में, पंजाब किंग्स ने 176 रन बनाए थे 6 विकेट के नुकसान पे, 4 विकेट पेसर को थे, 2 विकेट स्पिनर को थे और आरसीबी की टीम ने उस रन को चेस करा था, ठीक है। 4 विकेट गिरे थे पेसर को और 2 विकेट स्पिनर को थे, मतलब ओवरऑल एक बैलेंस ही मैच था, पेसर को भी विकेट्स मिले थे, स्पिन को भी विकेट मिले थे, बैटिंग वाले सेक्शन ने भी रन यहां पर बनाया था। उसके बाद मैच हुआ दोस्तों यहां पर आरसीबी और कोलकाता के बीच में, आरसीबी ने 182 बनाए 6 विकेट के नुकसान पे, 4 विकेट पेसर को, 1 विकेट स्पिनर को, कोलकाता नाइट राइडर्स ने उस रन को चेस कर दिया 3 विकेट के नुकसान पे, 2 विकेट पेसर को, 1 विकेट स्पिनर को। अगेन जिस टीम ने यहां पर चेस किया उसी टीम ने यहां पर विन किया, उस बात को ध्यान रखिएगा। यहां पर भी क्या हुआ, जिस टीम ने चेस किया उसी टीम ने यहां पर विन किया। उसके बाद दोस्तों यहां पर लखनऊ सुपर जायंट्स और आरसीबी के मैच पे मैच हुआ, लखनऊ सुपर जायंट ने 181 रन बनाए 5 विकेट के नुकसान पे, 3 विकेट पेसर को, 2 विकेट स्पिनर को और आरसीबी की पूरी टीम को लास्ट हो गई दोस्तों, 7 विकेट पेसर को मिले थे, 1 विकेट स्पिनर को मिला था। तो ओवरऑल अगर आप लोग यहां पर देखोगे तो बैटिंग वाला सेक्शन ओके, एवरेज सा ग्राउंड है, आप लोगों को यहां पर 170 से लेकर 190 रन तक बनते हुए दिखते हैं। स्पिन के मुकाबले यहां पर आप लोगों को पेसर ही हर मैच पे डोमिनेट करता हुआ दिखा है, इस बात को ध्यान रखिएगा अपने टीम बनाते हुए। बाकी दोनों टीमों की प्लेइंग 11 क्या रह सकती है अब उस बात को देखो ध्यान से समझिएगा। इंपैक्ट प्लेयर्स कौन रहेगा वो भी बताता हूं। आरसीबी के टीम पे विराट कोहली और फाफ डुप्लेसी ओपन करते हैं, फर्स्ट डाउन पोजीशन पे विल जैक्स आते हैं, फिर रजत पाटीदार आते हैं, उसके बाद ग्लेन मैक्सवेल, फिर दिनेश कार्तिक, फिर महिपाल लॉमरोड, उसके बाद सौरभ चौहान, विजय कुमार, उसके बाद आकाशदीप, ऋषि टोपले और मोहम्मद शिराज। यहां पर दोस्तों एज अ इंपैक्ट प्लेयर बैटिंग करने आए थे रजत पाटीदार और सौरभ चौहान भी एज अ इंपैक्ट प्लेयर आए थे लास्ट मैच पे, इस बात को ध्यान रखिएगा। बाकी बात करूं सनराइजर्स हैदराबाद की टीम की तो यहां पर ट्रेविस हेड और अभिषेक शर्मा ओपन करते हैं, उसके बाद एडल माकरम आते हैं, फिर नीतीश रेड्डी आते हैं, उसके बाद राहुल त्रिपाठी आए थे एज अ इंपैक्ट सब्स्टिट्यूट आए थे, उसके बाद हेनरिक क्लासेन, अब्दुल समाद, शहबाज अहमद, फिर बॉलिंग वाले सेक्शन पे पैट क्यूमिंस, भुवनेश्वर कुमार, जयदेव उनक्कड़ और टी नटराजन आप लोगों को इस मैच पे खेलते हुए देख सकते हैं। बाकी एक और इंपॉर्टेंट बात दोस्तों, बहुत सारे भाई लोगों ने अभी तक हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया है, हर मैच पे अल्ट्रा क्लीन स्वीप टीम आप लोगों को टेलीग्राम पे 100% फ्री मिल रही है दोस्तों। अगर अभी तक आप लोगों ने भी ज्वाइन नहीं किया है तो नीचे डिस्क्रिप्शन और कमेंट सेक्शन पे जाकर टेलीग्राम ग्रुप को पक्का से ज्वाइन कर लीजिएगा। बाकी दोस्तों इस मैच पे आप लोगों के पास मौका है सिर्फ 3 रुपए में करोड़पति बनने का, कैसे ध्यान से सुनो। यहां पर दोस्तों अगर आप लोग मेरे दिए गए लिंक के थ्रू माई 11 सर्कल ऐप को डाउनलोड कर लेते हो आज के दिन पे, अगर आप लोगों के पास डाउनलोड है किसी मोबाइल पे तो आप लोग दूसरे मोबाइल पे भी डाउनलोड कर सकते हो ऐप को। शुरू के जो 3 कॉन्टेस्ट मिलेंगे मेगा ग्रैंड लीग के, वहां पर आप लोगों ने 49 रुपीज पे नहीं करना है, इस बात को ध्यान रखिएगा। शुरू के जो 3 टीम होंगे मेगा ग्रैंड लीग के, वो टीम आप लोग सिर्फ 1 रुपए के हिसाब से लगाओगे, मतलब 3 रुपए में आप लोगों की 3 टीम लग जाएगी, लेकिन ये सिर्फ उन्हीं के लिए है जिन्होंने मेरे लिंक के थ्रू इस ऐप को डाउनलोड किया है, मतलब जो मेरे लिंक के थ्रू ऐप को डाउनलोड करोगे। अगर अभी तक आप लोगों ने ऐप को डाउनलोड नहीं किया है तो नीचे डिस्क्रिप्शन और कमेंट सेक्शन पे लिंक है दोस्तों, मिस मत करो। यहां पर हमारे सब्सक्राइबर्स ने मेगा ग्रैंड लीग विन किया है, हमारे ही सब्सक्राइबर ने यहां पर मेगा ग्रैंड लीग विन किया है। मैं चाहता हूं कि अगला मेगा ग्रैंड लीग अब आप लोग विन करो, तुरंत जाओ नीचे डिस्क्रिप्शन और कमेंट सेक्शन से ऐप को पक्का से डाउनलोड कर लो। बाकी मेरे दिए गए लिंक के थ्रू ऐप को डाउनलोड करते हो तो फर्स्ट टाइम डिपॉजिट पे क्रिक 23 कोड को यूज करने में 20% रियल एक्स्ट्रा कैश, ये बोनस का कंपोनेंट नहीं है, 1000 रुपए डालोगे 1200 आएंगे, 200 रुपए रियल मनी होगा। बाकी हर दिन नया हर दिन बड़ा ये कॉन्टेस्ट तो आप लोगों को पता है, जिसपे प्राइस मनी आप लोगों को 3 करोड़ रुपए तक की दिखेगी। बाकी 1500 रुपए का इंस्टेंट बोनस दोस्तों आप लोगों को ऐप डाउनलोड करते ही मिल जाएगा, इसीलिए आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है नीचे डिस्क्रिप्शन और कमेंट सेक्शन पे जाकर ऐप को पक्का से डाउनलोड कर लीजिएगा। चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले यहां पर देख लेते हैं विकेट कीपिंग वाले सेक्शन को।
विकेट कीपिंग वाले सेक्शन की अगर मैं बात करूं तो यहां पर आप लोगों को दिनेश कार्तिक और हेनरिक क्लासेन खेलते हुए दिखेंगे। दिनेश कार्तिक की अगर मैं बात करूं तो 28-20-4 बैटिंग नहीं 53, पता नहीं रोहित शर्मा ने आके कान पे इनके क्या बोला कि ऐसी जबरदस्त इनकी परफॉर्मेंस आई, 53 रन की जबरदस्त पारी आई थी। बाकी हेड टू हेड देखोगे तो 22 मैच में 19 का इनका एवरेज है, 39 बेस्ट स्कोर है। वेन्यू पे 29 मैच में 16 का इनका एवरेज है, 60 बेस्ट स्कोर है, 50 एक बार बना चुके हैं। इंपॉर्टेंट प्लेयर है दोस्तों, अगर बैटिंग आती है ना तो मेगा ग्रैंड लीग पे स्पेशली ट्राई किया जा सकता है। क्यों मालूम है? क्योंकि मोस्ट ऑफ द क्राउड हेनरिक क्लासेन को लेकर चलेगा। क्लासेन को देखो तो 63-80-24-10-9 लास्ट के दो मैच से फ्लॉप रहे हैं, लगभग तीन मैच से फ्लॉप रहे हैं। बट ध्यान रखिएगा दोस्तों, ऐसा ताबड़तोड़ प्लेयर है ना ये, और यहां पर ये प्लेयर स्कोर कर सकता है। क्यों? उस बात को समझो। यहां पर दोस्तों उसने एक दो मैच खेला है, 68 के एवरेज से खेला है, 104 बेस्ट स्कोर, इस वेन्यू पे उसने सेंचुरी बना रखा है, इस बात को ध्यान रखिएगा। क्लियर? सॉरी, हेड टू हेड उसने सेंचुरी बना रखा है। मतलब इन्होंने जब अगेंस्ट आरसीबी के खेला था ना, तो उन्होंने यहां आरसीबी के अगेंस्ट 100 रन की पारी खेली थी, इस बात को ध्यान रखिएगा। मतलब आरसीबी के अगेंस्ट खेलना पसंद आता है हेनरिक क्लासेन को। बाकी वेन्यू पे एक मैच खेला है जिसपे 6 रन बनाया है, तो ध्यान रखिएगा आरसीबी के अगेंस्ट परफॉर्म करते हैं। लास्ट मैच में सेंचुरी आई थी, हो सकता है इस मैच में भी आप लोगों को एक ताबड़तोड़ पारी खेलते हुए दिखे। कुछ मैच से फ्लॉप चल रहे, एक बड़ी इनिंग्स ड्यू है, हो सकता है इस मैच में आप लोगों को वो इनिंग्स दिख जाए। बाकी बात करूं दोस्तों यहां पर बैटिंग वाले सेक्शन की, तो यहां देखो बैटिंग वाले सेक्शन पे दोस्तों आप लोगों को आरसीबी की टीम पे विराट कोहली, फाफ डुप्लेसी, रजत पाटीदार और महिपाल लोमडोर खेलते हुए दिखते हैं। विराट कोहली को देखो, वेन्यू पे 85 मैच में 40 का एवरेज है, हेड टू हेड 21 मैच में 35 का एवरेज है, ओवरऑल 38 का एवरेज है, लास्ट के पांच मैच पे 77-83-22-113 रन। मतलब लास्ट मैच में फ्लॉप रहे थे, वरना ओवरऑल हर मैच में स्कोर करके चल रहे हैं, इस बात को ध्यान रखिएगा। और इस मैच पे यहां पर 3 रन बनाए थे ना, मैंने प्रेडिक्ट कर दिया था पहले ही, जो लोग हमारे वीडियो को देखते हैं मैंने बता दिया था विराट कोहली 10 रन से कम बनाएगा, एग्जैक्टली उसने 3 रन बनाए थे, बिकॉज स्टैटिस्टिकली वो अपने एवरेज से काफी ऊपर चल रहा था। अच्छा, इस मैच में क्या होने वाला है, इस मैच में भी कोई कैप्टन वाली पारी शायद ना आए, ध्यान रखिएगा। कैप्टन वाइस कैप्टन वाली पारी अगर आप लोग एक्सपेक्ट कर रहे हो विराट कोहली से, तो उसके आने के चांसेस कम लग रहे हैं, इस बात को ध्यान रखिएगा। सीवीसी वाली बड़ी पारी विराट कोहली की इस मैच में आने के चांसेस कम है। फाफ डुप्लेसी 3 रन, 8 रन, 19 रन, 44-61 रन, बाकी वेन्यू पे 14 मैच में 46 का एवरेज है, हेड टू हेड 17 मैच में 34 का एवरेज है, लास्ट के दो मैच से अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, इस बात को ध्यान रखिएगा। ओवरऑल 36 के एवरेज से खेलते हैं। सेम आप लोगों को फाफ डुप्लेसी की भी कोई एक ज्यादा बड़ी इंपैक्टफुल पारी नहीं आएगी, मतलब यहां पर विराट कोहली और फाफ डुप्लेसी की मेजर इंपैक्टफुल पारी नहीं आएगी। मतलब मैं कह रहा हूं कि यहां पर आप लोगों को 30 से 50 रन के बीच में बनाते हुए दिख सकते हैं, बट वो सीवीसी वाली जो पारी होती है ना वो नहीं आएगी। तो आप लोगों ने विराट कोहली, फाफ डुप्लेसी, इन दोनों को कैप्टन वाइस कैप्टन नहीं करना है मेगा ग्रैंड लीग पे, स्पेशली ध्यान दीजिएगा। रजत पाटीदार लास्ट मैच जो है 50 रन की बारी आई, बाकी 18-3-29 बैटिंग नहीं, बाकी हेड टू हेड एक मैच में 48 का एवरेज है, वेन्यू पे 3 मैच में 16 का एवरेज है, एज अ मेगा ग्रैंड लीग पे पंट प्ले ट्राई किया जा सकता है। महिपाल लोमडो थोड़ा डाउन द लाइन काफी नीचे आते हैं, फिफ्थ डाउन पोजीशन पे खेलने आते हैं, 1-17-33-0, बाकी हेड टू हेड 4 मैच में 10 का एवरेज, वेन्यू पे 9 मैच में 19 का एवरेज, उतने इंपॉर्टेंट नहीं रहते क्योंकि डाउन द लाइन काफी नीचे फिसल जाते हैं। रजत पाटीदार तब भी एक इंपॉर्टेंट प्लेयर रहता है, स्पेशली मेगा ग्रैंड लीग के लिए, इस बात को ध्यान रखिएगा आरसीबी के टीम के। सनराइजर्स हैदराबाद की टीम पे आप लोगों को ट्रेविस हेड, अभिषेक शर्मा और अब्दुल समाद खेलते हुए दिखते हैं। ट्रेविस हेड को देखो 33-62-19-31-21, बाकी 14 मैच में 31 का एवरेज है, वेन्यू पे 3 मैच खेले हैं जिसपे 76 का इनका एवरेज है, 75 नॉट आउट इन्होंने इस वेन्यू पे खेला हुआ है, इस बात को ध्यान रखिएगा। ताबड़तोड़ खेलते हैं दोस्तों, अगर पावर प्ले तक भी रुक गए ना तो गेम चेंज कर सकते हैं, इस बात को ध्यान रखिएगा। अभिषेक शर्मा दोस्तों 32-63-29-37-16, बाकी हेड टू हेड 7 मैच में 22 का एवरेज है, आईपीएल पे 52 मैच में 24 का इनका एवरेज है, रीसेंट फॉर्म ठीक चल रहा है, बट एक प्रॉब्लम आ रखी है, अभिषेक शर्मा हर बॉल के पीछे मारने को जाते हैं, उसी वजह से ज्यादा मेजर इंपैक्टफुल पारी दिख नहीं रही है। बट मुझे ऐसा लगता है ट्रेविस हेड या अभिषेक शर्मा में से किसी एक की बड़ी पारी आ सकती है, मतलब वीसी वाली पारी आ सकती है, इस बात को ध्यान रखिएगा। बाकी अब्दुल समाद मेगा ग्रैंड लीग पे एज अ पंट प्लेयर ट्राई किया जा सकता है, 15 बैटिंग नहीं, 29 बैटिंग नहीं, 25, बाकी
39 मैच में 20 का एवरेज है, हेड टू हेड 5 मैच खेला है जिसमें मोस्टली मैच में बैटिंग नहीं मिला है, इस बात को ध्यान रखिएगा। बाकी गिव अवे का क्वेश्चन जो लास्ट मैच में मैंने पूछा था देख लो, मैं आप लोगों के सामने आंसर भी रख देता हूं। केकेआर और एलकेएन के बीच में मैच था, केकेआर और लखनऊ के बीच में मैच था, मैंने पूछा था कि जो भी टीम यहां पर पहले बैटिंग करेगी क्या स्कोर रहेगा उसका, तो स्कोर क्या रहा था, 161 रन 7 विकेट के नुकसान पे। मैंने यहां पर देख लो सर्च पे 161 लगा के सर्च किया था, दो आंसर दिखे थे, ठीक है, एक तो अरुण बवरिया राणा का, बट ये 3 मिनट पहले का था, ठीक, इन्होंने क्या किया जैसे ही मैच खत्म हुआ आके स्कोर लिख दिया था, तो ये डिस्क्वालिफाई हो जाते क्योंकि उन्हें स्कोर पता था आके लिखा था। ओके, बाकी कुशवा जी ने क्या किया, इन्होंने अपने कमेंट को एडिट करा था, यहां देख रहे हो एडिटेड है ना, बाकी 167 आंसर सही था बट ये एडिटेड कमेंट है, बाकी किसी के भी कमेंट यहां पर सही नहीं थे, क्लियर, तो किसी को भी गिव अवे नहीं मिला। इस मैच में मिल सकता है गिव अवे, आप लोगों ने सीधा मुझे बताना है फर्स्ट इनिंग्स का स्कोर क्या रहेगा, जो भी टीम खेले उससे मुझे कोई मतलब नहीं, जो भी टीम खेले आप सीधा स्कोर लिख देना, जैसे 180/8 जो भी आप लोगों को लगता है स्कोर आएगा वो लिख दीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो पे दोबारा से दिखाएंगे, जो जीतेगा उसे सीधा सीधा 1000 रुपए का कैश अवार्ड मिलेगा, 1000 रुपए का, तो सभी लोग पार्टिसिपेट पक्का से कीजिएगा। क्या करना है आप लोगों ने, आप लोगों ने वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर लेना, क्योंकि अगर जीत गए तो वहीं पे आप लोगों के हम अकाउंट्स लेके आप लोगों को जो भी गिव अवे का विनर होगा उसके प्राइस डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। आरसीबी के टीम पे ऑलराउंडर वाले सेक्शन पे विल जैक्स और ग्लेन मैक्सवेल दिखते हैं। विल जैक्स का पहला मैच था, 8 रन बनाए थे, बाकी T20 इंटरनेशनल पे देखोगे तो 11 मैच पे 16 का एवरेज और 1 विकेट है, आईपीएल में भी 1 विकेट तो मिले इन्हें, बट बैटिंग पे कुछ खास नहीं कर पाए, बट प्लेयर ताबड़तोड़ है इस बात को ध्यान रखेगा, ताबड़तोड़ खेलता है, गेम चेंजर प्लेयर बन सकता है स्पेशली इस मैच पे, क्यों, क्योंकि एक्सपेक्टेशन क्या है कि विराट कोहली और फाफ डु प्लेसी में से कोई जल्दी आउट होगा तो विल जैक्स आ जाएगा, तो हो सकता है विल जैक्स वो गेम चेंजर प्लेयर बन जाए और लोग लेकर भी नहीं चल रहे विल जैक्स को, क्लियर, तो विल जैक्स पे पक्का से अपनी नजरें गड़ा के रखिएगा। बाकी ग्लेन मैक्सवेल परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं, 2 विकेट निकाले फिर 28 रन फिर 2 विकेट फिर रन नहीं फिर रन नहीं फिर रन नहीं, बाकी 25 के एवरेज से खेलते हैं, इस मैच पे ग्लेन मैक्सवेल के रन आएंगे, ठीक है ना, ये बात लिख कर ले लो, इस मैच पे ग्लेन मैक्सवेल के अच्छे रन आने वाले हैं, मतलब 40+ रन ग्लेन मैक्सवेल के 100% कंफर्म है इस मैच पे, क्यों, क्योंकि 5 मैच पे स्टैटिस्टिकली उसे 125 पे होना चाहिए था, इस मैच के बाद 150 पे होना चाहिए था, बट वो छल बहुत पीछे रहा है, तो लैग कवर अप आएगा, ग्लेन मैक्सवेल के रन आने वाले। विकेट्स की अगर मैं बात करूं तो विकेट्स के बारे में मैं कुछ प्रिडिक्शन नहीं दे सकता हूं, बट हां रन पक्का आने वाले ग्लेन मैक्सवेल के, इस बात को ध्यान रखिएगा। सनराइजर्स हैदराबाद के टीम पे आप लोगों को एडल माकरम दिखेंगे, 18-42, 17-50, 0, बाकी 38 मैच में 33 के एवरेज से खेलते हैं, प्लेयर बहुत ही शानदार है दोस्तों, एडल माकरम मस्ट पिक प्लेयर लगते हैं मुझे तो। नीतीश कुमार रेड्डी 64 रन बनाए इन्होंने, 1 विकेट भी निकाला, ओवर नंबर 7वां, 9वां और 16वां डाला था, सेकंड डाउन पोजीशन पे खेलने आए थे, अच्छा परफॉर्म किया था, ठीक है, मोस्टली लोग पिक करेंगे बट होपफुली मैं ड्रॉप करके ही चलूंगा इन्हें। शहबाज अहमद इन्हें देखोगे तो 16 रन 22 रन 18 रन 14 रन, बाकी 1 विकेट 1 विकेट 0 विकेट, उतने विकेट्स नहीं निकाले हैं शहबाज अहमद ने भी, मतलब स्मॉल लीग पे तो इंपॉर्टेंट है नहीं। नीतीश कुमार रेड्डी को तब भी ट्राई कर सकते हो क्योंकि लास्ट मैच में बॉलिंग कराया गया, इस मैच में कराया जाएगा नहीं कराया जाएगा उस मतलब बताना थोड़ा सा मुश्किल ही है, बट स्टिल एक इंपॉर्टेंट प्लेयर लग रहा है, मतलब पिक कर लीजिएगा, मतलब विल जैक्स, ग्लेन मैक्सवेल, एडल माकरम, नीतीश कुमार रेड्डी, ये चारों आप लोगों की स्मॉल लीग के टीम पे तो होनी चाहिए। मेगा ग्रैंड लीग के लिए टीम जैसे मैंने शुरू के 3 स्लाइड पे बनाया था ना वहीं से बनाना है, उस बात को ध्यान रखिएगा। बॉलिंग वाला सेक्शन डिस्कस करते हैं, यहां देखो बॉलिंग वाले सेक्शन पे आप लोगों को विजय कुमार दिखेंगे, ओवर नंबर 8वां, 10वां, 12वां, 14वां, 1 विकेट मिला था इन्हें, बाकी 9 आईपीएल में 18 विकेट है, वेन्यू पे 6 मैच पे 8 विकेट है। आकाशदीप 1 विकेट मिला था, ओवर नंबर 4वां, 9वां, 11वां और 16वां इन्होंने डाला था। रीसी टोपले ओवर नंबर 1, 3, 14 और 17वां डाला था, 0 विकेट इन्हें मिले थे, उससे पहले 2 विकेट, उससे पहले 1 विकेट, बाकी मोहम्मद शिराज ओवर नंबर 2, 5वां और 15वां और 0 विकेट थे। अब यहां से इंपॉर्टेंट कौन है दोस्तों, एक तो यहां से रीसी टोपले इंपॉर्टेंट रहता है, इस बात को ध्यान रखिएगा। अगर आरसीबी की टीम फर्स्ट इनिंग्स में बॉलिंग करने आती है तो उस कंडीशन पे आप लोग रीसी टोपले को लोगे और आप लोग उस कंडीशन पे आकाशदीप और विजय कुमार में से किसी एक को पिक कर सकते हो, क्लियर, रीसी टोपले मस्ट पिक रहेगा, इस बात को ध्यान रखेगा। बाकी सनराइजर्स हैदराबाद के टीम पे पैट क्यूमिंस 1 विकेट 2 विकेट 1 विकेट 1 विकेट 1 विकेट मतलब 1 विकेट तो मिलता ही है उसे,
दूसरा चौथा तेरहवा अठारवा ओवर डालते हैं, इंपॉर्टेंट प्लेयर रहता है दोस्तों, बैटिंग आ गई तो बैटिंग पे भी रन बना देगा। जयदेव उनक्कड़ ओवर नंबर पहला, तीसरा पांचवा और सत्रहवा, बाकी एक एक विकेट है उसके पास। भुवनेश्वर कुमार ओवर नंबर आठवा ग्यारहवा चौदहवा और बीसवा, दो विकेट मिले थे। और टी नटराजन की अगर मैं बात करूं तो छठा दसवा पंद्रहवा उन्नीसवा एक विकेट इन्हें मिला था। सबसे इंपॉर्टेंट यहां पर टी नटराजन, उसके बाद पैट क्यूमिंस, ये दो तो मस्ट पिक है। बाकी जयदेव उनक्कड़ को भी ट्राई किया जा सकता है, इस बात को ध्यान रखिएगा। बाकी इंपैक्ट प्लेयर्स की अगर मैं बात करूं तो यहां पर सौरभ चौहान आए थे इंपैक्ट प्लेयर, नौ रन इन्होंने बनाए थे, उतने इंपॉर्टेंट नहीं है। राहुल त्रिपाठी इंपॉर्टेंट बन सकते हैं, इस बात को ध्यान रखिएगा। 11 रन की पारी खेली थी, बट एक इंपॉर्टेंट प्लेयर बन सकते हैं मेगा ग्रैंड लीग पे अगर दोबारा से एज अ इंपैक्ट प्लेयर आते हैं तो। बाकी इंपॉर्टेंट मैचअप्स है, उन मैचअप्स को देखो अब, ताकि बॉलिंग वाला सेक्शन क्लियर हो पाए। भुवनेश्वर कुमार ने 81 बॉल पे 109 रन देकर चार बार आउट कर रखा है विराट कोहली को, ध्यान रखिएगा विराट कोहली को भुवनेश्वर कुमार ने चार बार आउट किया है। बाकी 34 बॉल में 39 रन देकर दो बार आउट किया है ग्लेन मैक्सवेल को। लेकिन विराट कोहली तो फेस करने ही वाले हैं भुवनेश्वर कुमार को कल के मैच में, क्यों? क्योंकि स्टार्टिंग पे भुवी ही बॉलिंग करने आएंगे और विराट कोहली ही बैटिंग कर रहे होंगे, तो काफी एक इंपॉर्टेंट मैचअप रहता है। बाकी बात करूं यहां पर तो मोहम्मद सिराज को देखो, मोहम्मद सिराज ने 47 बॉल पे 58 रन देकर दो बार आउट कर रखा है राहुल त्रिपाठी को। बाकी उसके बाद देखोगे तो ग्लेन मैक्सवेल को देखो, 3 बॉल पे 0 रन देकर एक बार आउट कर रखा है अभिषेक शर्मा को, वही है ना लेफ्टी के आगे बॉलिंग करने आ सकता है, इस बात को ध्यान रखिएगा। ग्लेन मैक्सवेल हम बॉलिंग भी कर सकता है, अब रन तो मैंने प्रेडिक्ट कर दिया कि रन तो बनाएगा, बट लेफ्टीज भी तो काफी है, ट्रेविस हेड लेफ्टी है, उसके बाद अभिषेक शर्मा लेफ्टी है, हो सकता है स्टार्टिंग पे आप लोगों को ग्लेन मैक्सवेल ही बॉलिंग करता हुआ दिख जाए, क्लियर? तो ग्लेन मैक्सवेल एक इंपॉर्टेंट प्लेयर रहेगा। बाकी अभी के टाइम पे जो मेरी टीम है उस टीम को आप लोग देख लीजिए, हेनरिक क्लासन है दोस्तों मेरे पास, बाकी विराट कोहली, फाफ डुप्लेसी, ट्रेविस हेड और एडल माक्रम है, बाकी ग्लेन मैक्सवेल, विल जैक, अभिषेक शर्मा और पैट क्यूमिंस है, बाकी ऋषि टोबले और टी नटराजन है। ये दोस्तों हेड टू हेड की टीम है, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। मेगा ग्रैंड लीग की टीम जैसे मैंने आप लोगों को कंसेप्ट बताया वैसे ही खेलना है। हेड टू हेड पे दोस्तों इस मैच पे आप लोग देखो, क्योंकि सभी लोग विराट कोहली को कैप्टन लाएंगे, आप लोग विराट कोहली को वीसी कर देना, क्लियर? और आप लोग क्या करना, अभिषेक शर्मा या ट्रेविस हेड में से किसी एक को कैप्टन कर देना, आप लोग अल्ट्रा क्लीन स्वीप इजीली कर लोगे सीवीसी के कॉम्बिनेशन से, इस बात को ध्यान रखिएगा। बाकी माई 11 सर्कल ऐप को नीचे डिस्क्रिप्शन और कमेंट सेक्शन पे जाकर पक्का से डाउनलोड कर लीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।